नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्कैप रोबोटिक्स सेंटर लखनऊ। माय नेम इज अभिनव श्रीवास्तव, आई एम टेक रोबोटिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। करेंटली मैं इस लॉकडाउन के पीरियड में वो कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट्स जो है आपको अपकमिंग जुलाई में लीग के एग्जामिनेशन है या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसमें काम आएंगे। ठीक है, ये लास्ट मिनट स्ट्रेटजी के लेक्चर्स हैं, रिविजन के लिए भी काम में आएंगे। आपने कितना रिवाइज किया है, कितना नहीं किया है और कितने आपका रिविजन सक्सेसफुल है, कोई टॉपिक छूट तो नहीं किया। इसलिए ऐसे ऐसे चीज में ले रहा हूँ जनरल, जो चीज जनरली बुक्स में नहीं मिलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं लेके आया हूँ वो टॉपिक एक सप्लीमेंट्री टॉपिक है। सप्लीमेंट्री टॉपिक मतलब आपको किसी बुक में एज इट इज नेम से नहीं मिलेगा कि ग्राफ्स का यूज कैसे है, लेकिन चूंकि क्या है कि आपका जो मोटो होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस का या किसी भी इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस का मेन मोटो क्या होता है कि स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के बीच से फाइनेस्ट स्टूडेंट्स या बेस्ट स्टूडेंट को छांटना, ये काम होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का। तो इसी मुद्दे को अगर हम अपने दिमाग में रख के चलें कि आप पेपर सेटर की क्या लॉजिक हो सकता है। आजकल जैसे आप देख रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन की वजह से भी या बच्चों की बढ़ती कॉम्पिटिटिवनेस के स्तर से भी लेवल थोड़ा बढ़ा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। जो लेवल बढ़ा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स ऐड हो गए हैं जिनके बारे में जो रिसर्च पैनल ये सोचता है कि ये आपको आना चाहिए इस उम्र तक या इस एज तक आपको आना चाहिए टॉपिक, और कहीं वो टॉपिक आगे जाके कहीं वो आगे इंजीनियरिंग साइंसेज से कोरिलेट भी हो जाए। ठीक है, इस तरह के टॉपिक्स से को देखते हुए ये जो एक टर्म है ग्राफ्स, ये इंजीनियरिंग साइंसेस में आपको पोस्ट इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बाद भी काम में आएगा और उससे पहले भी इसके क्वेश्चंस आते रहे हैं आईटीजेई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। आईटीजेई हो गया, नीट हो गया, वो बात अलग है, इनका प्रोपोर्शन कम रहता है लेकिन आते हैं। ठीक है, तो इनको जानना जरूरी है कि देखिये इंजीनियरिंग हो या मेडिकल, ये दोनों ऐसी साइंसेस हैं, ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें कि आपको डे टू डे रियलिस्टिक इन्वायरमेंट पे काम करना पड़ेगा। तो रियलिस्टिक इन्वायरमेंट पे काम करने के लिए आपको क्या है कि आपको नई से नई चीज पता होनी चाहिए। हाँ, लेकिन उस लेवल की, किस लेवल की, इंटरमीडिएट का पास आउट करके आए हैं तो इंटरमीडिएट से प्लस वन प्लस मैक्सिमम, तो उसमें ये टॉपिक कवर होता है। तो उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक तो ग्राफ्स है, दूसरा है न्यूमेरिक फंक्शंस। ये न्यूमेरिक फंक्शंस जो है, ये आप ये वन मानेगा इसके नाम से कि न्यूमेरिक फंक्शंस है तो केवल मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड होंगे। इसका न्यूमेरिक फंक्शन का बेसिक काम रियल वर्ल्ड मॉडलिंग का भी होता है। तो पहले हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग पर है, फिर हम बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में कि ग्राफ्स कैसे वर्क करते हैं और ग्राफ्स को जानना इंटरमीडिएट के तक क्यों जरूरी है कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, देखिए मानिए बच्चों, ये चीजें आती बहुत ज्यादा है, मतलब आती जरूर है। हुआ तो लगे कि 100 नंबर के पेपर में आपको 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन अगर आपको छोटी सी चीजें अगर आपको आती रहेंगी तो वो आपको फ्री के नंबर आपको देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता है कि एक नंबर की मार्किंग दूसरी हो, दूसरे नंबर की मार्किंग दूसरी हो, सारे क्वेश्चन की मार्किंग एक ही होती है, एक ही नंबर होता है। ठीक है, तो इन स्पाइट कोई चीज आप भूल गए हो, चीज आप ना कर पाए, ये अगर आपको आता होगा उसकी जगह ये कर सकते हैं और वो नंबर आपको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने मेरिट के हिसाब से। तो न्यूमेरिक फंक्शंस और ग्राफ्स, ये दोनों सप्लीमेंट्री टॉपिक है एमपीजी नीट के लिए एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए। आपको ये पता होना चाहिए ग्राफ जो है वो इंजीनियरिंग साइंस में आगे भी आपको पढ़ाए जाएंगे, चाहे कोई सी भी आपकी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस किसी में। ठीक है, बात करते हैं न्यूमेरिक फंक्शंस की। न्यूमेरिक फंक्शंस क्या होते हैं? न्यूमेरिक फंक्शंस का मतलब होता है रियल वर्ल्ड की मॉडलिंग मैथमेटिकल फॉर्म, एक फंक्शन बना देना किसी भी चीज को। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया है फॉर द सेट, ये सेट दिया हुआ है, सेट का मतलब कि एक ऐसा मतलब एक ऐसा कार्य है, वो कार्य मतलब उसमें इन नंबर्स पर ही हमारा जो है एक पाथ जो है डिपेंड कर रहा है। सपोज y = f x, अगर हम एक फंक्शन मान के चलते हैं y = f x, ये तो फंक्शन होता है, इसमें x क्या होता है, आर्गुमेंट होता है, या x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल, और y की वैल्यू से ही ग्राफ का प्लॉटिंग होती है। तो x की जो वैल्यूज हैं वो सपोज ये वैल्यूज, ठीक है, मतलब कुछ इन वैल्यूज को लेकर हमें अपना एक पाथ मिल रहा है। तो अगर आप इसको कभी कभी न्यूमेरिक फंक्शन कहते हैं, जेनरिक फंक्शंस भी कहते हैं, कभी कभी कहा जाएगा भाई इसका जेनरिक फंक्शन बनाओ, ये किस पाथ को फॉलो कर रहा है ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो
वीकेस्ट का पाथ को फॉलो करना है, पता कैसे चलेगा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसका एक जनरल फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसको ये ओवे कर रहा है। तो इसको जरा देखिए कैसे इसका जनरल फंक्शन क्या बन सकता है भाई। अगर इसका जनरल फंक्शन माने ए आर इज इक्वल टू आर क्यू प्लस टू मान के चले, दैट इज द जनरल फंक्शन फॉर दैट, क्या ये ओवे करेगा आप खुद लाके देख लीजिए। किससे काउंट करेंगे, फॉर आर की वैल्यू जीरो से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है, क्योंकि जब आर जीरो रखेंगे तो ए जीरो कितना आएगा, जीरो प्लस टू जो कि पहला है। ऐसे ही आप जो है वन रख के देखिए थ्री आएगा, टू रख के देखिए टेन आएगा, ठीक है, दैट इज जनरल फंक्शन, दैट इज द न्यूमेरिक फंक्शन फॉर दिस सेट, ठीक है। आगे बताएंगे ग्राफ भी इससे लिंक होते हैं, कैसे ग्राफ लिंक होते हैं। इसी तरह सेकंड है, ये कोई सेट दिया हुआ है, अब इसके लिए जनरल फंक्शन या न्यूमेरिक फंक्शन क्या लिखेंगे भाई, दो मिनट का सोचिए, दो मिनट के लिए। फिर क्या होगा, ए आर इसका शो अगर हम लिखें, ए आर इसका शो आर जीरो से वन से थ्री के लिए, और आर स्क्वायर प्लस वन लिखें और आर इज ग्रेटर देन थ्री के लिए, तब क्या जनरल फंक्शन हो जाएगा इसका, ये चेक कर लीजिए। इसको आर ग्रेटर देन थ्री भी लिख सकते हैं, कभी कभी जगह इसको आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर भी लिख सकते हैं, आप इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें आप क्या करेंगे वैल्यू रख के देख लेंगे, कहां से वैल्यू रखेंगे, आर स्पर्स टू फ्रॉम आर स्पर्स टू जीरो ऑनवर्ड्स वैल्यू रखेंगे, ठीक है, जहां भी वहां से रखनी हो वहां आर की स्पेसिफिकेशन करी जाएगी। तो दैट इज द न्यूमेरिक फंक्शन फॉर दिस सेट। अब ये तो आपको थ्योरेटिक चीज लग रहा है कि सर ये तो हमारे मैथमेटिकल फाउंडेशन है, अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। अब वो क्वेश्चन है, इन अ प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम एक मॉनिटरिंग डिवाइस है मेजर्स द टेंपरेचर इनसाइड अ केमिकल रिएक्शन चैम्बर, एक मॉनिटरिंग डिवाइस है जो केमिकल रिएक्शन जहां हो रही है चैम्बर का टेम्परेचर को सेंस करती है, once every 30 second, this is important, हर 30 second पर, मतलब पहला interval 30 second पर होता है उसका, एक interval का जो time lapse कितना है 30 second है। AR denotes the RF reading in degree centigrade, find the numeric function, generic function, if it is known that temperature rises from 0 to 120 degree at a constant in the first 30 second, मतलब first quarter पे temperature 100 से 120 degree rise कर रहा है, and stays at 120 degree from then, मतलब शुरुआत के वो जो मॉनिटरिंग डिवाइस है शुरुआत के 30 सेकंड में वो कांस्टेंट रेट से उसका टेंपरेचर फर्स्ट 30 सेकंड में 100 से 120 बढ़ गया, एक इंटरवल लैप्स कितना है 30 सेकंड्स का है, तो उसका आपको न्यूमेरिक फंक्शन है जनरल फंक्शन बनाना है। इस तरह के सवाल बहुत लॉजिकल में आते हैं, दिस प्रॉब्लम्स आर लॉजिकल रीजनिंग, क्या करेंगे AR में R का नोट कर रहा है, RF रीडिंग इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसको अगर हम मॉडल ऐसे करें AR इज इक्वल टू क्या होगा 100 प्लस R बाय 15, ठीक है, 0 से R से फर्स्ट 300, ठीक है, फर्स्ट 300 सेकंड्स से, फर्स्ट 300 सेकंड्स है तो पहले से 300, उसके बाद आप क्या करेंगे 120 डिग्री फ्रॉम आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 330। अगर इस तरह से मॉडल करेंगे इस चीज को, इसका न्यूमेरिक फंक्शन क्या ये सही है, अगर आप देखें R को जीरो रख के, R को अगर जीरो रख के देखें तो क्या होगा, पहले केस में क्या आएगा AR, पहले केस में आएगा 100 जो कि हमारी ये कैप है, लोअर कैप है हमारी, ठीक है,
फिर आर को आप वन रख के देखिए, ए आर कितना आएगा, 100 प्लस वन का मतलब आर का वन मतलब नहीं रखना, फर्स्ट क्वार्टर रखना है, फर्स्ट इंटरवल रखना है। फर्स्ट इंटरवल कितना है, 30 सेकेंड्स का है, ठीक है, 30/15 क्योंकि 15 to 30 102 डिग्री, ठीक है। ऐसे आपको सेकेंड इंटरवल, सेकेंड इंटरवल कितने का होगा, 60 सेकेंड्स का होगा। ए आर की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 100 प्लस 60/15 मतलब 104 डिग्री। तो ये देखिए कांस्टेंट रेट से बढ़ भी रहा है, और इसके आप अगर गौर से देखेंगे तो आप क्या करेंगे, पूरा 100 से 120 के बीच में आर की वैल्यू 0 से 300 के बीच में आएगी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट रेट से किस तरह से डिवाइड किया, ये आपकी लॉजिक है, ठीक है। तो 100 100 से 104 से करके जब 120 तक पहुंचेगा उसमें 300 इंटरवल कवर हो चुके। यही एक इंजीनियर या एक प्रोफेशनल जो है उसके दिमाग यहीं पे लगना है। ये और नेक्स्ट 120 मिनट पे कांस्टेंट रहता है, लेकिन क्या है, पर फर्स्ट 300 सेकंड के बाद, तो 300 सेकंड के बाद सेकंड क्वार्टर जो नेक्स्ट क्वार्टर का आएगा वो 300 प्लस 30 का आएगा, कि इंटरवल आपका 30 सेकंड्स का है, इसलिए यहां मैंने 30/30 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 300 के बाद 301 नहीं आएगा, 300 का पहला क्वार्टर का हर क्वार्टर कितना बड़ा, 30 सेकंड पे बढ़ा, तो 330 आएगा। चलिए इसको देख लीजिएगा, नहीं हो अगर कोई डाउट हो तो उससे आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है, वे आईडी लिखी है, इस पर आप जो है उससे चीजें पूछ सकते हैं, मैं आपको और स्पेसिफाई कर दूंगा। यहाँ पे देखिए नीला बॉल इज ड्रॉप टू फ्लो, ये बॉल फ्लो छोड़ी जाती है 100 मीटर की हाइट पे छोड़ी जाती है। सपोज दैट द बॉल ऑलवेज रिबाउंड टू रीच 3/4 ऑफ द हाइट फ्रॉम इट फॉल्स, मतलब रिबाउंड करके उसको हर रिबाउंड में वो 3/4 मतलब पहले बॉल अगर 100 मीटर में छोड़ी गई, ठीक है, ग्राउंड पर, तो सेकंड वो कितना 3/4 ऑफ प्रीवियस हाइट रिबाउंड करेगी, फिर 3/4 ऑफ प्रीवियस हाइट रिबाउंड करेगी, फिर 3/4 ऑफ प्रीवियस, फिर 3/4 ऑफ प्रीवियस, लास्ट करते रुक जाएगी, ठीक है। अब इसका जनरल फंक्शन बनाना है, इसका जनरल फंक्शन बनाना है, एआर डिनोट्स द हाइट की फीचर्स इन द आरएफ रिबाउंड। दो मिनट सोचिए कैसे बन सकता है ये। देखिए अगर जनरिक फंक्शन बना है इसका, तो जनरिक फंक्शन वैसे तो बनना चाहिए, ए आर कितना हो रहा है 3/4 ऑफ ए आर माइनस वन, ठीक है, ये तो जनरिक फंक्शन बनना चाहिए। लेकिन आर कितना बनाना है तो क्या बनेगा, अगर हम इसको इतने ही एन टाइम्स है तो 3/4 मल्टीप्लाई होगा वो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए आर जनरिक फंक्शन बनेगा 3/4 की पावर एन या की पावर आर, ठीक है, इंटू ए नॉट, ठीक है, वेयर ए नॉट कितना है 100 मीटर, ठीक है, दैट विल बी द जनरिक फंक्शन फॉर न्यूमेरिक फंक्शन या जनरिक फंक्शन कुछ भी कह सकते हैं, ये इसका जनरिक फंक्शन होता है, ठीक है। क्लियर है, फॉर आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, यहां पर आर को जीरो नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि ए नॉट आपको ऑलरेडी 100 मीटर दिया हुआ है, फॉर आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, क्लियर है। ये जनरल फंक्शंस के लिए ज्यादा कॉन्सेप्ट, इससे तो आपने मैप कर लिया, ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस को। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि भाई ग्राफ में इसका जरूरत क्या पड़े, जनरल फंक्शन में ग्राफ की मॉडलिंग जो होती है, ग्राफ की मॉडलिंग भी जी वी कॉमा ई के फॉर्म में होती है। वी कॉमा ई का मतलब क्या है, ग्राफ इज अ सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस, ठीक है, वर्टाइसेस हो गई, एजेस हो गई, इसीलिए आके ये चल गई, इतना सब कुछ जद्दोजहद चल गई, आके इस पे आएगी आपका इन फंक्शन पे ग्राफ बनाकर उसको न्यूमेरिक फंक्शन से सॉल्व करके उसकी एक जनरल वैल्यू जनरल इक्वेशन मॉडल कर सकते हैं। अब ग्राफ बनेगा कैसे, सपोज हमारे पास ये है, अब ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सिंपल है, हर एक एंटिटी को एक प्रोसेस का एक नोड मान लीजिए, जैसे ए इसका ए मान लीजिए, ठीक है, इसका सी मान लीजिए, इसका एम मान लीजिए, इसका एस मान लीजिए, इसका आई मान लीजिए, इसका ओ मान लीजिए,
ग्राफ और इसलिए बन जाएगा बाई डायरेक्टेड ग्राफ होगा किसका, आई फिर सी। फिर नोड बना लें, ठीक है, सी के बाद एम और एम के बाद क्या बनेगा यहाँ पे एस, ठीक है। तो यहां पर कंट्रोल यूनिट के आगे एक आई का नोड रहेगा तो ये एक ओ का नोड रहेगा, लेकिन ये सिंगल डायरेक्टेड नोड रहेंगे, ठीक है। दिस इज द ग्राफ फॉर दिस। ग्राफ की मॉडलिंग आसान है, एक उसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है टाइडी का, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा उसमें। यहाँ पे देखिए इस लेयर को मर्ट करना बहुत आसान है, आपने क्या किया इसको ग्राफ में मॉडल करना है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं व्हाट इज दिस। आजकल तो हर इंटरमीडिएट के हर बच्चे या ग्रेजुएशन के हर बच्चे को पता है कि दिस व्हाट इज दिस, दिस इज द ओएसआई लेयर प्रोटोकॉल। नेटवर्क हमारा किस पे काम करता है, फिजिकल नेटवर्क डेटा लिंक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सर्विस प्रोटोकॉल लेयर पे काम करता है। वो लेयर को ग्राफ में कैसे करोगे, क्योंकि लेयर अपने आप में दिस इज द लॉजिकल कॉन्फिगरेशन, इसको एक्चुअल में किसी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ग्राफ में मॉडल करना पड़ेगा। इसका ग्राफ उतना ही आसान है, हर प्रोसेस को एक नोड मानना है, एक दो तीन चार पांच, पांच नोड है, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, एक दो तीन चार पांच नोड मानिए, ग्राफ और वैसा ही है। इसमें ये नोड है, इनको आप बना लीजिए हर नोड को, ए ए वन बी बी वन सी सी वन डी बी वन ई ई वन, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिकल मीडियम से ग्राफ नहीं दिखाया गया है, तो ग्राफ में एक आपको चीज पता होना चाहिए कि ग्राफ जो है उसमें ऐसा कोई मीडियम नहीं दिखाया जाता है जो इथर के बराबर हो। इथर का मतलब जो सर्वव्यापी हो, जैसे वैक्यूम को हम ग्राफ में कभी प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे वैक्यूम एक क्योंकि फिजिकल मीडियम, व्हाट इज फिजिकल मीडियम, फिजिकल मीडियम आपका इथर की तरह है, इथर मतलब सर्वव्यापी, सर्वव्यापी चीज को हम ग्राफ में मॉडल नहीं करते हैं। जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये क्या दिखाते हैं, प्रोसेस दिखाते हैं, जितने भी हैं प्रोसेस, और ये जो एजेस हैं वो इंटरकनेक्शन है, नेटवर्क कनेक्शन, नेटवर्क दिखाते हैं। तो इनको फाइनली मॉडल हम इससे करेंगे, उसे बहुत से ऑपरेशंस होंगे, बहुत से एल्गोरिथम्स लगेंगी, ऑप्टिमल पाथ के लिए प्रेम्स हैं, रस्कल्स हैं, वो सब इंजीनियरिंग साइंसेस की बात है, वो अभी आपको नहीं करना है। उसके उसको मॉडल करके किस तरह इक्वेशन से मॉडल करना है वो आपको यहाँ सीखना है, ठीक है। तो बच्चों ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और आपके हो सकता है कि बहुत से लोग ये तो चीज हमने कहीं नहीं पढ़ी, लेकिन यकीन मानिए जो इंजीनियरिंग साइंसेस के जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें उनको बच्चे की एप्टीट्यूड भी टेस्ट करना पड़ता है, ये सारा काम एप्टीट्यूड के अंदर ही आता है। आपने मॉडलिंग की उसके नेचर को देखकर, ठीक है, किसकी मॉडलिंग की, ग्राफ्स की मॉडलिंग की, तो ये इतना इंपॉर्टेंट शायद ना हो ग्राफ बनाना क्योंकि ईजी है, लेकिन इसकी मॉडलिंग किसमें, इक्वेशंस की मॉडलिंग करना, दैट इज द थोड़ा सा टाइडी काम है, तो इस पर इनका फोकस ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है आप करते रहिए, सीखते रहिए, हमारे यहाँ और चीजें और भी अच्छे से सिखाई जाएंगी, जैसे कि आप उनसे आप जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये वो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स आपके जनरली कवर शायद नहीं हुए होंगे इस समय के अंतराल में, नीट आने वाला है, तो ये चीज आप जो है उसको देखिए और हमसे जुड़िए। कॉन्टैक्ट इन्फो, मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव है, मेरे कॉन्टैक्ट इन्फो दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम आए इस समय आप मुझे भेजिए, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, मेल भी दिया हुआ है, ठीक है। इसके आप नोटिस के अंदर भी हम लोग वर्क करते हैं, और दिस आर द कंटेंट्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।